मुरादाबाद में थाना नागफनी के हाजी नेब की मस्जिद इलाके में कोरोना से सरताज नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद इलाके में जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर इलाके के लोगों ने हमला बोलते हुए पथराव शुरू कर दिया। आनन फानन में टीम अपने को बचाते हुए भाग खड़ी हुई। भीड़ रुक रुक कर काफी देर तक पथराव करती रही। स्वास्थ्य विभाग की दो गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में 13 अप्रैल को 53 लोगों की आई जांच रिपोर्ट में 17 लोग पॉजिटिव आए थे, जिसमें थाना नागफनी के सरताज का भी नाम था। उसी दिन सरताज की भी मौत हो गई। उसी हॉटस्पॉट इलाके में आज टीम स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए पहुंची थी। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। उन लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है जिन लोगों ने टीम पर हमला किया। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। फनी क्षेत्र मुरादाबाद का, यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसके संबंध में उनके फर्स्ट लेयर कॉन्टैक्ट फैमिली के सदस्य आदि की क्वारंटाइन और आइसोलेशन की प्रक्रिया प्रचलित थी। तो उसके संदर्भ में मेडिकल टीम और पुलिस टीम यहाँ पर आई थी। तो जब परिवार वाले इस सब में अपने बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान सडनली, ये काफ़ी घना इलाका है, डेंस गलियों में से 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। और यहाँ पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग अब आगे क्वारंटाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जिन लोगों ने इस प्रकार की खुराफात करी है उनकी शिनाख्त करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है अभी? गिरफ्तारी की स्थिति अभी, चूंकि आप, हम मौके पर ही खड़े हैं, अभी हमारी टीमें लगातार लगी हुई, वो थोड़ी देर बाद हम आपको बता देंगे। इस पथराव में कोई पुलिसकर्मी या अन्य कर्मी? इसमें जो स्वास्थ्य कर्मी है उनमें स्वास्थ्य कर्मियों की चोटें आई हैं और उनको अस्पताल प्राइमरी इलाज के लिए भेजा गया है, जैसा यहाँ पर एडिशनल CMO मौजूद है, उन्होंने बताया है। और ये थाना नागफनी क्षेत्र पड़ता है मुरादाबाद। सर, किस मुकदमे के तहत कार्रवाई की जाएगी? इसमें जो भी सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है, वर्तमान में धारा 144 का उल्लंघन किया गया है, महामारी एक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है। इस प्रकार का व्यवहार, इस तरीके का, जिसमें स्वास्थ्य व पुलिस एजेंसीज ऐसे कार्य में लगी हैं जिससे इस महामारी का प्रसार रोका जा सके, ऐसे में उनके कार्य में बाधा डालना बहुत ही गंभीर श्रेणी का अपराध है। उसी सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपील करना चाहेंगे? हमारी अपील यही है कि अभी भी यहाँ पर स्थिति मुरादाबाद में ऐसी है कि जिसको हम लोग अपने व्यवहार से, अपने तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें यदि पब्लिक घरों से नहीं निकलेगी, अभी भी वक्त है, समझ जाएं, अब घरों से नहीं निकलेगी तो ये महामारी नहीं फैलेगी, लेकिन चंद लोगों की नादानी और नासमझी की वजह से पूरे समाज को खतरा उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। सर, मैं तो यहाँ को सहयोग कर रही हूँ, अपना हेलमेट दिए इन लोगों को बचाने के लिए, पुलिस को अपने घर ले गया हूँ, यहाँ पे मेरा घर है, उनको लेके गए हूँ, एक तरफ को बिठाने के लिए, बचाने के लिए मुझे लेके जा रहा हूँ। पथराव क्यों करा सर? ये लोग पथराव जो कहाँ के निकल के आया? सर, CMO साहब से पूछो, वो बताएंगे। देखो, ड्राइवर साहब को ही बचा के मैं अपने साथ ले गया हूँ। पथराव करने वाले कौन थे ये? सर, ये तो इधर के लोग आए हुए हैं सर, उनसे पूछो। देखो सर, वो खड़े हुए हैं। क्यों किया फिर पथराव? सर, वो खुद बताएंगे। बताओ, मैं खुद प्रशासन की मदद कर रही हूँ, यहाँ इन्हें बचा के लेके जा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सर, मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। कहाँ रहते हो? मैं सर इधर रहता हूँ। पथराव करने वाले कौन थे फिर? आप नहीं थे? ये पथराव करने वाले इधर के लोग आए हुए जन, कहाँ के हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। क्यों करा? क्या परेशानी थी? क्या परेशानी थी? क्यों कर रहा है पथराव? सर, मैं यहाँ से निकल के जा रही था, एक मरीज को लेके जा रहे थे। अच्छा। मैं सिर्फ रुक के सर की मदद कर रहा था, सहयोग कर रहा था पूरा। अच्छा। कि सर, यहाँ पे कोई बवाल नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल शांति बनी हुई है। और सर देखो, वो खड़े हुए हैं, ऐसे साफ खड़े हुए हैं, उनको सबको बचा के अपने घर में ले गया हूँ, अपने हेलमेट दिए मैंने। राम सिंह, क्या हुआ था और क्या है आप? मैं ड्राइवर हूँ। किस चीज में? CMO ऑफिस का ड्राइवर हूँ। क्या हुआ था यहाँ पे? जी, यहाँ पे इधर से भी पब्लिक आई, इधर से चारों तरफ से पब्लिक आने के बाद में जो है इधर से ज्यादा थी रामगंगा की तरफ से। हाँ। इन्होंने तुरंत गाली देनी शुरू कर दी, फिर जो है ईंट पत्थर बरसानी शुरू कर दी बिना बात के। बहुत समझाया, इंस्पेक्टर साहब ने भी काफी समझाया, मगर नहीं किसी तरह की। फिर जो है बहुत सारी भीड़ के सामने जो है अजीब मारने का नंबर आ गया फोर्स तक पे जो है।
तो इसमें घायल भी हुआ कुछ लोग? नहीं घायल, वही अधे रोड़े ही लगे हैं, लाठी डंडे से चली नहीं। गाड़ी गाड़ी भी टूटी है कुछ? जी गाड़ी सारी टूट गई बिल्कुल, बहुत नुकसान हो गया गाड़ी में। किसकी गाड़ी है जो टूटी है? पुलिस की। इधर इधर इधर, मेरी भी गाड़ी टूट गई। क्या स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी भी टूटी है और पुलिस की भी? तो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ किस लिए आई थी? इनमें जो है एक कोई कोरोना से खत्म हो गए थे, उनकी जांच के लिए आए थे। अच्छा, क्वारंटाइन करने के लिए आए थे? जी, तभी पथराव किया गया। तभी पथराव। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.